सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। अगर आपके भी विंडो में कुछ इसी तरीके का प्रॉब्लम बार बार आ रहा है और इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में इसका ऐसा सोल्यूशन बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करने के बाद जो है आपका जो पीसी है या फिर लैपटॉप है वो बिल्कुल स्मूथ वर्क करेंगे और साथ में जो है बार बार ये आपको मैसेज भी नहीं आएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है विराज और आप देख रहे हैं कंटेंट हैक। सो गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्कटॉप पे। यहाँ पे जो है मैं आपको सबसे पहले कुछ बातें बताऊंगा, वो आपको आपके पीसी में देख लेनी है। इसके बाद जो है हम आगे की प्रोसीजर करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमको यहाँ पे सर्च बार में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है अबाउट योर पीसी। तो यहाँ पे जो है जैसे ही हम टाइप करते हैं यहाँ पे जो है हमारे सामने कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो है हमको यहाँ पे सिस्टम टाइप नाम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब अगर जो है आपको यहाँ पे 32 बिट ऐसा दिखाई दे रहा है तो आपको जो है आपके पीसी में 32 बिट का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। अगर आपको जो है यहाँ पे 64 दिखाई दे रहा है तो आपको जो है 64 दिखाई देगा, मतलब डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे जो है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप जो है वहीं से इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसको कर देंगे मिनिमाइज और अभी हम चले जाते हैं अपने डाउनलोड्स में। यहाँ पे जो है मैंने मेरे पीसी में वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। ये सॉफ्टवेयर जो है ये 5 to 6 GB तक रह सकता है। तो आपको जो है थोड़ा अपना डेटा प्लान जो है वो थोड़ा बूस्ट कर लेना है, या फिर अगर आपके पास वाईफाई अवेलेबल है तो आप जो है उससे भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद जो है अभी मैं आपको ये वाला सॉफ्टवेयर ओपन करके बताता हूँ। तो सिंपली जो है हमको यहाँ पे डबल टिक करना है। इसके बाद जो है यहाँ पे सेटअप नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। हमको जो है यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करना है। दोस्तों राइट क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इस पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही जो है हम इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे जो है हमारे सामने एक मैसेज शो होता है कि भाई आपको जो है ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है क्या। तो आपको जो है यहाँ पे एस क्लिक कर देना है। तो जैसे ही जो है हम यस क्लिक करते हैं इसके बाद जो है ये हमको सेटअप में लेके जाता है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो है विंडोज 10 प्रिपेयर हो रही है इंस्टॉलेशन के लिए। इसके बाद जो है हमको यहाँ पे नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जो है हमको थोड़ी देर वेट कर लेना है। तो दोस्तों सभी चेक से गुजरने के बाद जो है आपको यहाँ पे फाइनली रेडी टू इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली जो है अभी हमको यहाँ पे नीचे की ओर इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही जो है हम यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे जो है ये अभी इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा और जैसे ही जो है ये ख़त्म होगा इसका जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 1 से 2 घंटा होगा। तो दोस्तों आपको जो है यहाँ पे अपना पीसी जो है वो चार्ज पे लगा देना है और वेट करना है अपडेट होने का। तो जैसे ही जो है ये अपडेट होगा आपको जो है एक नया विंडोज आपके पीसी में दिखाई देगा। तो